फरीदाबाद में फिल्म पद्मावती के पोस्टर लगाए जाने से नाराज राजपूत समाज के लोगों ने EF3 मॉल के अंदर बने आईनेक्स सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की और हॉल पर लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। समाज के लोगों ने पहले ही सिनेमा मालकों को ये आग्रह किया था कि फिल्म पद्मावती का कोई भी फैसला ना होने तक फिल्म के पोस्टर सिनेमा हॉल में ना लगाए जाएं। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावती के पोस्टर फाड़े और वहीं कांच भी तोड़े। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से भी अपील की कि फिल्म पर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया जाए। और ये क्या है? ये भाई साहब, हम लोगों ने लगभग एक हफ्ते पहले सारे जितने भी पिक्चर हॉल थे सबको और DC साहब को भी यहाँ पे लेटर भेज दिया गया था कि हम पद्मावती को फरीदाबाद के अंदर रिलीज नहीं होने देंगे। और अभी जब पिक्चर किसी भी तरीके से कहीं से पास नहीं हुई है, अभी तक सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करी है, तो इन लोगों ने किस तरीके से वो पोस्टर को लगा दिया गया है। हमने पहले मना किया था कि कोई भी पिक्चर हॉल वाला पोस्टर नहीं लगाएगा, अगर पोस्टर लगाएगा तो उसका यही हाल होगा जो आज यहाँ पे हाल हुआ है इनके साथ में। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं सारे पिक्चर हॉल वालों के पूरे फरीदाबाद में हरियाणा के अंदर कि कहीं भी कोई वो पोस्टर ना लगाए, और इसको कैसे पास होना है, किस तरीके से होना है, वो राजपूत समाज देगा देखेगा किस तरीके से करना है, लेकिन जब तक ये पास नहीं होती है तब तक यहाँ कोई प्रमोशन नहीं होगी। सरकार और कानून पर भरोसा नहीं रहा, तोड़फोड़ से मनवाएंगे अपनी नहीं, सरकार और उस पर हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन उसके बाद में क्या आश्वासन मिला? आज यहाँ सब जगह पूरी जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हमने खुद अपने यहाँ जाके बिल्कुल शांति रूप में जाकर हम लोगों ने लेटर दिया है उनको कि भाई जब तक कोई अप्रूवल नहीं आती है कोई भी प्रमोशन ना करे, जब प्रमोशन की मना की गई है शांति रूप से, तो फिर क्यों ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं? ये हमारे को भड़काने के काम कर रहे हैं ये लोग। चाहते क्या है, आपकी मांग क्या है? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक पद्मावती पे कोई एक्शन नहीं होता है या जब तक हमारी सरकार, हम पहले तो हरियाणा सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे योगी जी ने और जिस तरीके से अपने पंजाब के अंदर, जिससे गुजरात के अंदर बैन कर दिया गया है, तो हम माननीय खट्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि इसको हरियाणा के अंदर ही बैन कर दिया जाए, और जब तक बैन का निर्देश नहीं आता है लेकिन तब तक कोई भी पिक्चर हॉल वाला कोई भी पोस्टर ना लगाए, कोई भी बैनर ना लगाए और कहीं भी कोई किसी तरीके की प्रमोशन ना करे। तोड़फोड़ करके मनाएंगे हम लोगों को? सर, पहली बात तो आप भी देख रहे होंगे, मैंने केवल यहाँ पर जितने इनके पोस्टर लगे हुए हैं एक भी पोस्टर नहीं तोड़ा सर, और मैंने वही पोस्टर तोड़ा है जो इनके जब मैंने मना किया हुआ पोस्टर ना लगे, और देख लो एक ही पोस्टर मैंने हटाया है और पोस्टर के साथ मैंने तोड़ताड़ किसी ने भी नहीं। आपकी आपत्ति क्या है पद्मावती? आपत्ति यही है जी कि वो हमारे जो हमारे इतिहास के साथ उन्होंने छेड़खानी की है, जो उन्होंने वहाँ पर मतलब नृत्य दिखा रहे हैं, जबकि हमारे समाज में कभी हमारी रानी महारानी ने आज तक नृत्य मतलब इस टाइप की चीज उन्होंने कभी नहीं की है, इसलिए हमारे जब तक ये सेंसर बोर्ड से पास नहीं होगी कहीं भी नहीं लगेगी। सेंसर बोर्ड पास करता है उसके बाद देखा जाएगा, तब तक इस फिल्म को कहीं भी नहीं लगने देंगे हम। सेंसर बोर्ड हम सरकार की मानते हैं, सेंसर बोर्ड की मानेंगे, उससे पहले इस फिल्म का कहीं भी नहीं लगा होगा। पद्मावती फिल्म रिलीज पहले सेंसर बोर्ड का, पहले पद्मावती रिलीज करने हिंदू समाज लेगा।